हमने लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया है अपने फ्रंट एंड के साथ, और हमारी साइनअप की एपीआई को भी फ्रंट एंड के साथ हमने इंटीग्रेट कर लिया है। स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है जी। और ये हमारे पास ये ऐप चल रही है, लॉगिन की स्क्रीन है, ये साइनअप की स्क्रीन है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे हैं ऑथ गार्ड। अच्छा, ऑथ गार्ड में हमने क्या कुछ कर लिया है अभी तक कि हम अपने ऐप डॉट जे एस एक्स में आते हैं, तो इस ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर हमने ये डिटरमाइन कर लिया है कि आया कि मेरा यूज़र जो है वो लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने एक अलग से एपीआई बनाई थी जो कि सिक्योर एपीआई है। उसको हम यहाँ से हिट करते हैं, अगर उसका जवाब आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि बंदा लॉगिन है, और अगर उसका जवाब नहीं आता है तो हम समझते हैं बंदा लॉगिन नहीं है। और ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक हमने छोटा सा वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ था जिसको हम इज़ लॉगिन ट्रू या फॉल्स रखते थे, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम यहाँ पे नीचे अलग नैव बार दिखा रहे होते थे। लॉगिन और लॉगआउट स्टेट के अंदर अलग अलग नैव बार हम दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ना सिर्फ हमने ये नैव बार को कंडीशनल करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें नीचे हमारा जो ये राउटर लगा हुआ है, राउटर ये भी हमें दो अलग अलग राउटर एक्चुअली बनाने हैं। ठीक है, और जिसको हम कंडीशनल कर रहे होंगे, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम क्योंकि ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर तो लॉगिन का प्रोसेस नहीं होता, लॉगिन एक दूसरा कंपोनेंट है, तो वहाँ से जैसे ही लॉगिन का एक्शन परफॉर्म होता है तो मुझे चाहिए था कि मुझे ये वाला स्टेट वेरिएबल समहाउ मैं अपडेट करवा लूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास ऐसे पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, ऑथ गार्ड को थोड़ा सा पॉज करके हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पहले कवर किया। तो अब ये इज लॉगिन वाला जो वेरिएबल है ये एक्चुअल में कहाँ पर होगा, मेरे ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके अपना जो लॉगिन की एपीआई मैं इंटीग्रेट कर चुका था पहले, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं क्या करता हूँ, उसको इस तरह से बना देता हूँ कि वो डेटा जो है जब लॉगिन का एक्शन कंप्लीट हो तो वो डेटा को इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर वो स्टोर कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाते हुए एक दो चीज़ें लगाई थी, जैसे कि स्टेट डॉट नेम और ये चेंज हैंडलर, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं एक्चुअली हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, लॉगिन सबमिट हैंडलर जो है इसके अंदर जब मैं एग्जॉस्ट से एपीआई कॉल करता हूँ तो उसका जवाब आने पर मैं इस जगह पर क्या कर देता हूँ, एक डिस्पैच लगवाता हूँ, और इस डिस्पैच के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, कि ये यूज़र लॉगिन जो है वो परफॉर्म हो गया है, और इसके पेलोड में ऑब्वियसली मुझे क्या देना है, एक अदद ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है मैं ज़रा अपने रिड्यूसर में उसमें, अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैं क्या दूंगा ये मेरी मर्ज़ी है भाई, दबे ना, तो मुझे क्या मिलता है ज़रा, लॉगिन की एपीआई जब हिट होती है तो मुझे जवाब में क्या मिलता है, जाके मुझे सर्वर में देखना पड़ेगा मैंने क्या जवाब बनाया। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे पूरी की पूरी प्रोफाइल मिल रही होगी। सर्वर में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, राउट्स में जाना पड़ेगा और ऑथ राउट्स में जाना पड़ेगा। जब लॉगिन की एपीआई परफॉर्म होती है तो मुझे यहाँ पर, अच्छा लॉगिन सक्सेसफुल जस्ट मुझे मिलता है, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा यूज़र का, यूज़र की पूरी प्रोफाइल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँ, यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन लगाया था ना मैंने यहाँ, तो रिज़ल्ट आया हुआ था, तो इस रिज़ल्ट को भी मैं क्या करवाता हूँ, साथ भिजवा देता हूँ यहाँ पर। चलो अभी फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि हमें अब डेटाबेस के मामलात में उलझ जाएंगे हम। असल में रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप नोट करो ना, तो मैंने जो ये फाइंड वन करके मंगवाया हुआ है इसके अंदर पूरा का पूरा यूज़र उठ के आता है, तो इसके अंदर जो है ना पासवर्ड भी एक्चुअली जा रहा होगा, पासवर्ड भी उठ के इस रिज़ल्ट में आ जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को अगर मैं एज इट इज़ फ्रंट एंड पे भिजवाता हूँ तो डैट वुड बी अ प्रॉब्लम, कि वहाँ पर ना पासवर्ड और कुछ अनवांटेड चीज़ें भी जा रही होती हैं, जिसके लिए हमने प्रोजेक्शन करके एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रोजेक्शन से हम ये काम करते हैं, तो मुझे प्रोजेक्शन एक्चुअली लगाना पड़ेगा। तो वेल अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी यूज़र लॉगिन के ऊपर ना, मैं बोलता हूँ कि जस्ट यार कोई पेलोड नहीं होगा, ठीक है, देयर इज़ नो पेलोड, और जस्ट यूज़र लॉगिन को मैं ट्रू या फॉल्स करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हम फिर उसको प्रॉपर कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं क्या करता हूँ, जस्ट यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन करवाता हूँ, और यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन के एक्शन परफॉर्म होने पे जस्ट एक वेरिएबल ट्रू हो जाएगा मेरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा डिस्पैच हो गया। अब चल के ज़रा रिड्यूसर के अंदर देख लेता हूँ कि मैं रिड्यूसर के अंदर इसको किस तरह से हैंडल करना चाहूँगा। यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन, ये मेरे पास जी पहला एक्शन आ गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जी इज़ लॉगिन को जस्ट ना ट्रू करा दो। ठीक है, इसी तरह यूज़र लॉगआउट के अंदर मैं इज़ लॉगिन को क्या करवा देता हूँ, फॉल्स करवा देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अच्छा, ये मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि इज़ लॉगिन के नाम से मेरे पास कोई की
कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है या नहीं है, ठीक है जी, इस लॉगिन के नाम से मौजूद है जो कि इनिशियली नल है, ठीक है, इनिशियली जो इस लॉगिन के नाम से की मौजूद है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो कि नल है। आसान, क्लियर हो रहा है सब लोगों को क्या हो रहा है ये, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी अभी हमने पढ़ा है लास्ट। अच्छा तो ये जी मैंने दोनों चीज़ को मेक श्योर कर लिया कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में इस लॉगिन के नाम से की मौजूद है। अच्छा ये इतना काम जो है ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस और रिड्यूसर डॉट जे एस, ये मैं एज अ डेटा स्टोर मैनेजर ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी जो कंपोनेंट्स जब उसको कॉल किया जाएगा तो वो मेरी टीम का कोई मेंबर भी हो सकता है। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये खुद बनाया और इसको मेंटेन करने के लिए ये दो फंक्शन इसको बना के दे दिए मैंने कि जी ये दो ही काम इसमें हो सकते हैं कि जी यूज़र लॉगिन होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, लॉग आउट होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी उसकी इनिशियल स्टेट है जो कि नल है तो वो नल रहेगा इनिशियली। तो इन दोनों को अब मैंने कर दिया बंद, ठीक है। तो आप इमेजिन करेंगे डेटा स्टोर मैनेजर ने मुझे रिड्यूसर बनाकर दे दिया, अब मैं एज अ टीम मेंबर इसको अब इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। यूज़र लॉगिन का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, जिससे क्या होगा वो ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा तो ये ट्रू हो गया, अब यहाँ पे मुझे लॉगिन में मेरा ख्याल है मजीद कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लॉगिन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐप डॉट जे एस एक्स में दोबारा वापस आ जाता हूँ मैं। ऐप डॉट जे एस एक्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पे मैंने एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट का जो क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन बॉयलर प्लेट है, ये लाइन हर दफ़ा इसी तरह लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने जब कॉन्टेक्स्ट को जिस तरह से सेटअप किया है, अगर आपने उसी तरह सेटअप किया तो ये लाइन काइंड ऑफ आपका बॉयलर प्लेट होगी, ठीक है। और इसके बाद जो मैं ये लाइन लिखने जा रहा हूँ ये भी क्या होगी, बॉयलर प्लेट होगी आपकी, कॉन्स्ट ठीक है जी। अच्छा आप ये नोट करें इसके अंदर ना स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए लगता है, कर्ली ब्रेसेस जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप बोल रहे हैं और ये क्या हो गया। अच्छा तो अब ये इस लॉगिन जो मैंने बनाया हुआ था ना, मैंने लोकल कंपोनेंट के अंदर लोकल स्टेट बनाई हुई थी, अब ये इस लॉगिन को रिप्लेस करके मैं किसको लगाने जा रहा हूँ उसकी जगह, ये स्टेट डॉट वाले को लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, स्टेट डॉट वाले को मैं लगाने जा रहा हूँ। अच्छा तो जैसे ही मेरा लॉगिन का एक्शन परफॉर्म होगा तो ये स्टेट डॉट इज लॉगिन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब स्टेट डॉट इज लॉगिन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्टेट डॉट इज लॉगिन के जी, स्टेट डॉट इज लॉगिन के अंदर अगर ट्रू है तो आप ये होम चैट अबाउट दिखाओ, और अगर इज लॉगिन के अंदर स्टेट डॉट इज लॉगिन के अंदर फॉल्स है तो आप लॉगिन साइनअप का नेव बार दिखाओगे, ठीक हो गया, आसान है ये, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अभी ये यूज़ इफेक्ट जो है, एक तो ये होगा कि जी लॉगिन के पेज पे बंदा खड़ा हुआ है और वहाँ पे बंदे ने लॉगिन का एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन ट्रू होता है तो फौरन नेव बार चेंज हो जाए। अच्छा लेकिन ये तो अभी लॉगिन एक्शन परफॉर्म हुआ, लेकिन अगर बंदा ऐप को वैसे ही खोलता है आगे और पहले से लॉगिन है, टोकन पहले से पड़ा हुआ है, या पेज को रिफ्रेश मार देता है, तो उस सूरत में मुझे इस ऐप डॉट जे एस के अंदर डिटरमाइन करना होगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, इस ऐप डॉट जे एस में डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में चलाऊंगा, है ना, क्योंकि बंदा लॉगिन के पेज पे आया, लॉगिन किया, टोकन स्टोर हो गया, चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज़ जस्ट लाइक अ स्टेट स्टेट वेरिएबल, तो पेज रिफ्रेश होने पर स्टेट वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, चाहे वो कंपोनेंट के अंदर हो या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के तौर पे कंपोनेंट से बाहर हो, तो वो पेज रिफ्रेश करने पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश होगा तो ये ऐप डॉट जे एस के अंदर मैं एक यूज़ इफेक्ट लगाकर उसको दोबारा से बहाल करूँगा, ठीक है, दोबारा से इस चीज़ को डिटरमाइन करूँगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। कैसे डिटरमाइन करूँगा, वही है कि एक एपीआई कॉल करूँगा मैं, जो कि एक सिक्योर एपीआई है, ठीक है, कोई सी भी एपीआई हो सकती है, ये मैंने एक अलग से बना ली है, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग एपीआई भी कॉल कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैंने अलग से इसलिए बना दी कि कोई अनवांटेड डेटा मुझे जो नहीं चाहिए वो आ रहा हो बिला वजह, तो मेरा डेटाबेस बिजी ना हो, तो मैंने एक ऐसी एपीआई बनाई जिसका डेटाबेस से ताल्लुक नहीं, वो जस्ट सर्वर जाती है, सर्वर से वापस आ जाती है, विद क्रेडेंशियल ट्रू के साथ पास करता हूँ। तो पहले मैं इस लॉग इन ट्रू करवाता था मेरे स्टेट के वेरिएबल को, अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब की बार मैं यहाँ से डिस्पैच कॉल करूँगा, ठीक है, अब की बार मैं सजेशन दी थी इसने यार, क्या
कैसे देता है ये सजेशन, कभी देता है कभी नहीं देता। आगे टाइप लॉगिन और ऐसे ही है, टाइप यूजर अंडरस्कोर लॉगिन था मेरा एक्चुअली। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, अगर ये एपीआई का सही रिस्पॉन्स आ जाता है तो यूजर अंडरस्कोर लॉगिन को मैंने डिस्पैच करवा दिया, और ये अंदर जो लोकल था मेरा उसको मैं खत्म करा देता हूँ, लोकल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये कैच आ जाता है इसके अंदर तो मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट करवा देता हूँ। ठीक हो गया ये, इस स्टेट की अब मुझे ज़रूरत नहीं है जो मैंने लोकल बनाया हुआ था। अब मैं टोटली किस पर डिपेंड कर रहा हूँ, मेरे एक्सटर्नल स्टेट के ऊपर जो कि मेरा डेटा स्टोर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू बना हुआ है। अच्छा जी, ये काम बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब क्या होगा कि मैं इधर आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को अपने, ठीक है, और मैं अच्छा ये एपीआई कॉल इनडेफिनेटली क्यों लग रही, ओके ओके ओके, इस यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने एम्प्टी एरे यहाँ पे नहीं लिखा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सही है, यूज़ इफेक्ट के अंदर लास्ट में एक एम्प्टी एरे लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा चलती है, अगर मैं ये ना करूँ तो ये इनडेफिनेटली बार बार चलने लग जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी कि यूज़ इफेक्ट अक्सर दो दफ़ा चलता है, ठीक है, ये दो दफ़ा ना डेवलपमेंट में चलता है सिर्फ, प्रोडक्शन में ये दो दफ़ा नहीं चलता, तो इसका क्या हल है, किसी को पता है, ये दो दफ़ा जो चलता है इससे तो आपकी लॉजिक समटाइम ख़राब हो जाती है ना, होती ही नहीं होती, जो दो दफ़ा ये जो चल रहा होता है इससे समटाइम क्या होता है आपकी लॉजिक अफेक्ट हो जाती है, तो इसका क्या हल है, किसी के पास ये इशू नहीं आया अभी तक, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम लोग कोड ही नहीं लिख रहे मुझे लग रहा है, हैं दो दफ़ा आती है ना कभी कॉन्सोल लगा हुआ यूज़ इफेक्ट में, तो दो दफ़ा आ रहा होता है वो, हैं आ रहा होता है ना, तो उससे कभी आपकी लॉजिक डिस्टर्ब नहीं हुई, जो लॉजिक कभी भी नहीं हुई, वेल हाँ भाई, एनी ओपिनियन, कोई भी ओपिनियन आपका है इसके बारे में, हाँ भाई ये जो दो दफ़ा चलता है इसके बारे में कोई ओपिनियन है किसी का यहाँ पे, कि ये दो दफ़ा चलना सही है गलत है, इससे मसला होता है नहीं होता है, या जी मेरे पास ये आया है या प्रॉब्लम, या कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे पास, हाँ हाँ, तो अगर ये दो दफ़ा चल रहा है ना आपके पास, और तो इसको डेवलपमेंट मोड में जो दो दफ़ा चलता है ये रिएक्ट वालों ने जानबूझ के इसको दो दफ़ा चलवाया हुआ है, ठीक है, आपने इसका कोई इलाज नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, अगर इस दो दफ़ा चलने की वजह से आपकी लॉजिक गड़बड़ करती है, ख़राब होती है आपकी लॉजिक, तो आपने अपनी लॉजिक को ठीक करना है ना, आपने अपनी लॉजिक को ऐसा बनाना है कि ये दो दफ़ा भी चले या चार दफ़ा भी चल जाए तो आपकी लॉजिक उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। मिसाल के तौर पर हमारी जो इस वक्त लॉजिक है यहाँ पर यूज़ इफेक्ट के अंदर, वो क्या है, वो ये इतना पार्ट चलता है ना, इसमें एक फंक्शन रजिस्टर होता है और वो फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो जाता है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक एपीआई कॉल हुई हुई है, अगर उस एपीआई का जवाब ठीक आता है तो ये लॉगिन डिस्पैच होता है, यानी कि वो ट्रू करवा देता है, और अगर गलत आता है तो उसको फॉल्स करा देता है। अब ये फंक्शन तीन दफ़ा चले या चार दफ़ा चले, अगर तीन दफ़ा चला या तीनों दफ़ा जवाब ठीक आया तो तीनों दफ़ा उसको ट्रू 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 करेगा वो, तो मेरी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर तीन दफ़ा चलता है दो दफ़ा जवाब सही आ जाता है तीसरी दफ़ा जवाब फॉल्स आ जाता है तो वो फॉल्स कर देगा तीसरी दफ़ा, लिहाजा मेरी जो ऐप है वो अल्टीमेटली लॉगआउट स्टेट में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर लॉगिन है तो तीनों दफ़ा लॉगिन ही आएगा एक्चुअली, ठीक है, लॉगआउट है तो तीनों दफ़ा लॉगआउट ही आएगा, या अगर दो दफ़ा लॉगिन और तीसरी दफ़ा लॉगआउट भी आ जाए तो मेरी लॉजिक बिगड़ नहीं रही है, मेरा कोड ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, जो स्टेट है वो है। तो इस तरह का जो भी आपका फंक्शन होगा ना उसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है कि आपने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो प्लस माइनस ऐसी की हुई है कि दो दफ़ा चलने से वो दो दफ़ा प्लस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो काम आपने उस तरह नहीं करना, उसको करने का कोई दूसरा तरीका रिएक्ट में मौजूद है, तो आपको उस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसको वापस से मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है जी, अब मैं लॉगिन जैसे ही करूँगा लॉगिन के पेज के ऊपर खड़े होके, ठीक है, लॉगिन जैसे ही मैं करता हूँ लॉगिन के पेज पर खड़े होके, तो ये अगर लॉगिन मेरा सही हो जाता है तो देखो फ़ौरन मेरा नेव बार चेंज हो गया। अच्छा अब मैं कुछ भी करता रहूँ ये नेव बार वापस नहीं जाएगा, ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वो एक वेरिएबल है ट्रू हो चुका है जिसके बिहाफ पे मैं ये डिस्प्ले करवाता हूँ। अच्छा अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ख़त्म हो जाती है और वो लिहाजा वो वापस नल हो जाता है।
लिहाजा वो वापस क्या हो जाता है, नल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऐप डॉट जे एस के अंदर मैंने यूज स्टेट चलाया हुआ है, जो कि थोड़ी देर के लिए तो नल होता है लेकिन ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश कर लेता है अपने आप को। ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट के अंदर वो एपीआई दोबारा हिट होती है ना, और उसको वो दोबारा से वो ट्रू कर लेता है। तो जब मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे वो लॉगिन शॉगिन दिखता है, उसके बाद मुझे फौरन जो वो होम पे लेकर आ जाता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक मसला और ये कि ये तो चेंज होता है लॉगिन होने पर, ये नीचे वाला पार्ट चेंज नहीं होता। तो अब आके ज़रा नीचे वाले पार्ट को भी हम क्या कराते हैं, चेंज करवा लेते हैं। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को चेंज कराने के लिए मैं बिल्कुल इसी तरह का एक यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ कि जी इस लॉगिन अगर ट्रू है तो क्या दिखाए और इस लॉगिन अगर फॉल्स है तो क्या दिखाए। तो एक्चुअली मैं ये पूरा राउटर जो है ना, पूरा मैं ये राउटर क्या करूँगा, मैं डबल बनाऊँगा ये पूरा का पूरा। ये मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे राउटर को एक्चुअली मैं डबल बनाऊँगा ना, ठीक है। पहला वाला जो होगा यानी कि जो लॉगिन स्टेट वाला, उसमें होम होगा, अबाउट होगा, चैट होगा, लेकिन लॉगिन साइनअप नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, ये वाला राउट होगा। अच्छा, दूसरा जो होगा जो नॉट लॉगिन है कि इसके अंदर ये चैट वाइट नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ लॉगिन साइनअप होगा ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ लॉगिन। तो इस एक वक्त में या तो ये दिख रहा होगा या तो ये दिख रहा होगा। अच्छा, अगर ये दिख रहा होगा तो डिपेंडिंग ऑन कि यूआरएल में क्या है, अबाउट है या चैट है, वो वाला कंपोनेंट दिख जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी यहाँ पे, ये टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इस लॉगिन अगर ट्रू है तो ये ऊपर वाला दिखा दिया जाए, एल्स इसके नीचे वाला दिखा दिया जाए, ये क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ की है मैंने इसमें, हाँ टर्नरी, ओ करली ब्रैकेट यहाँ पे मैंने एक नहीं लगाई, वही बोल रहा हूँ आगे क्यों नहीं जा रहा, इंडेंट करने से ना आगे नहीं बढ़ रहा। वेल, तो ये मैंने इस पार्ट को पूरे को टर्नरी ऑर्बिटर लगा के क्या कर दिया, कंडीशनल बना दिया इसको मैंने। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करो कि मेरा जो राउट है ना लॉगिन होने की सूरत में, उस पर स्लैश के ऊपर होम दिखाया जाता है, स्लैश के पास पे मुझे होम दिखाया जाता है। अच्छा, अबाउट के पास पे मुझे अबाउट दिखाया जाता है और चैट के पास पे मुझे चैट दिखाया जाता है। अगर इनके अलावा कोई भी तीसरी बात यहाँ लिखी जाएगी अगर यूआरएल के अंदर यानी स्टैरिक, तो उस सूरत में क्या करता है, ये नेविगेट करवा के वापस स्लैश पे लाता है। लिहाजा क्या होता है, अगर आप कोई गलत यूआरएल लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो स्लैश पे घुमा के आपको ले आता है और आपको होम दिखाता है, सही है। तो ये तो लॉगिन होने की सूरत में हो गया। अगर लॉगआउट आप होंगे तो ये तो पार्ट पूरा दिखेगा ही नहीं, यही दिखेगा सिर्फ, है ना। ऐसी सूरत में अगर पाथ के अंदर स्लैश करके लॉगिन है तो आपको लॉगिन दिखेगा, अगर पाथ के अंदर स्लैश करके साइनअप है तो साइनअप दिखेगा, और अगर इनके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ है स्टेरिक तो ये आपको नेविगेट करके घुमा के स्लैश पे ले आएगा, और स्लैश पे क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि होम तो है ही नहीं ना, ये तो दो ही राउट हैं इसके अंदर, यहाँ होम तो है ही नहीं, है ना, तो स्लैश पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो लिहाजा इसको मैं स्लैश पे नहीं लाऊंगा, इसको मैं अब लॉगिन पे लाऊंगा, ठीक है, घुमा के लॉगिन पे ले आऊंगा। अगर कोई स्लैश भी लिखता है तो क्योंकि स्लैश के ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो वो घुमा के लॉगिन पे लेके जाएगा उसको, या फिर मैं इसको स्लैश बना दूंगा, ठीक है, लॉगिन को स्लैश, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, लॉगिन पे स्लैश लॉगिन ही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास स्लैश लॉगिन और स्लैश साइनअप है, दो ही है, और अगर इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ लिखती है तो मैं घुमा के उसको लॉगिन पे ले आता हूँ, ठीक है। आते हैं, अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करने पे क्या होता है, वो यूज़ इफेक्ट चलता है ऐप डॉट जी एस एस में और वो डिटरमाइन कर लेता है। तो मैं आके क्या करता हूँ, टोकन उड़ा देता हूँ यहाँ से, ये टोकन मैंने उड़ा दिया यहाँ से। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, ऐप डॉट जे एस एक्स में वो यूज़ इफेक्ट चलेगा और वो डिटरमाइन करेगा कि बंदा लॉगिन नहीं है। तो ये जो पार्ट है, अभी ये वाला पार्ट रेंडर होता है, तो अब की बार अब ये वाला पार्ट रेंडर होगा रिफ्रेश करने पर। रिफ्रेश किया मैंने, ये रेंडर हो गया। तो अब यहाँ पे से मैं दोबारा लॉगिन परफॉर्म करता हूँ। अब लॉगिन परफॉर्म करने पे ना सिर्फ नेव बार चेंज होगा बल्कि नीचे वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हालांकि मैंने ये चेंज करवाया नहीं है, ये मैंने चेंज करवाया नहीं है, ये मैंने तो जस्ट टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगाया भाई, ये वाला पार्ट है ना। और ये स्टेट डॉट इज लॉगिन के चेंज होने पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, तो जब लॉगिन जैसे ही लॉगिन हिट होता है तो ये वाला पार्ट हट के ये वाला पार्ट आ जाता है सीन के अंदर,
ठीक है। अब आप कुछ भी करते रहें, ये वापस लॉगिन पे आप इसको ले जा नहीं सकते। आप इसको स्लैश लॉगिन पे लेके जाएंगे, स्लैश लॉगिन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वक्त, स्लैश लॉगिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इसको स्लैश लॉगिन पे लेके जाएंगे, ये आपको घुमा के कहाँ ले आएगा, स्लैश पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। या आप स्लैश करके कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड लिखेंगे आप, ये घुमा के आपको स्लैश पे लेकर आ जाएगा। ये बात मैंने राउटर में मैंशन की हुई है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप लॉगआउट कर जाते हैं, मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में और इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ टोकन को, तो मैं रिफ्रेश किया, अब आप स्लैश होम पे जा ही नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। आपको घुमा के लॉगिन पे ले आएगा, या आप स्लैश अबाउट पे नहीं जा सकते यहाँ से, आपको घुमा के लॉगिन पे ले आएगा, ठीक है। अच्छा, स्टिल अगेन मैं बताता चलूँ कि दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, ये जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए है। ऑथ गार्ड इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, इसको जस्ट हम यूज़र एक्सपीरियंस के लिए लगाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो हमारी API के ऊपर है ना। असल तो सिक्योर मैंने अपनी API को बनाया हुआ है कि जब तक बंदा लॉगिन नहीं होगा वो सिक्योर API को कॉल कर ही नहीं सकता। पोस्टमैन से कर ले वो, ये फ्रंट एंड मतलब मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो इसके सर ये नहीं करे, वो किसी पोस्टमैन के ज़रिए कर लेगा अगर उसको करनी होगी तो, समझ रहे हो। तो ये दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, ये जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस का फीचर है कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो वो प्रोफाइल की API कॉल नहीं कर सकता या पोस्ट की API कॉल नहीं कर सकता, तो मैं उसको पोस्ट के पेज पे भी जाने नहीं देता फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। अगर वो पोस्ट के पेज पे चला जाता है ऐसा माओ बंदा, तो वो फिर एक्सपेक्ट करेगा ना कि यार ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा, तो इसलिए मैं उसको पोस्ट के पेज पे जाने ही नहीं देता। और जैसे ही वो वंस वो लॉगिन हो जाता है, अब बंदा देखो वंस बंदा लॉगिन हो गया, अब लॉगिन होने के बाद उसको लॉगिन का पेज दिखाने की क्या सेंस है, कोई सेंस तो नहीं है ना। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही बंदा क्या हो जाता है, बंदा लॉगिन हो जाता है, तो मैं उसको लॉगिन का पेज फिर देख ही नहीं सकता। वो जब तक वो लॉगिन है वो लॉगिन का पेज नहीं देख सकता, जब तक वो लॉगिन है वो साइनअप का पेज नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये नॉनसेंस हो जाएगा बंदा, क्योंकि लेमैन यूज़र अगर लॉगिन होने के बाद भी अगर लॉगिन का पेज देख पा रहा है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यार क्या आया कि मैं लॉगिन हूँ भी या नहीं हूँ, है ना। तो उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए तो इट्स एंटायरली यूज़र एक्सपीरियंस थिंग। समटाइम क्योंकि इसका नाम ऐसा है ना ऑथ गार्ड, तो समटाइम आपको लगता है कि शायद इसका ऑथेंटिकेशन से कोई ताल्लुक है, इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है सर जस्ट। अच्छा, अगर ये काम प्लेन HTML के ऊपर भी करके देख चुके हैं हम, ठीक है, वो उसमें भी मोर और लेस इसी तरीके से हो रहा होता है, तो वो भी क्या था, वो यूज़र एक्सपीरियंस का फीचर था, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर ये काम ऑथ गार्ड इसको टाइटल दिया गया है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में ये इसको डिफरेंट नाम दिया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जो फ्रंट एंड के ऊपर आप पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी आप इस पेज पे जा सकते हो इस पे नहीं जा सकते, वो सारा का सारा एंटायरली क्या होता है, वो जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑथ गार्ड का जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें जो समझ ना आई हो। अच्छा, एक काम इसके अंदर नहीं करवाया हुआ हमने, वो काम लगे हाथों कर लेते हैं, वो काम जो हम लगे हाथों कर लेते हैं, वो क्या काम है, वो ये काम है कि लॉगिन के ऊपर ना ये जस्ट इज लॉगिन ये ट्रू नहीं होना चाहिए, उसमें तो पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट आना चाहिए मेरे पास ना, तो वो ज़रा कर लेते हैं। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन अगर नहीं है कोई तो फिर हम आगे करते हैं, ताकि वो क्योंकि उसी तरह होना चाहिए एग्जैक्टली वो काम, इसलिए उस तरह करना ज़रूरी है। मैं जाता हूँ auth.mjs के अंदर और ये लॉगिन के ऊपर ना मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के ऊपर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मुझे तीन चीज़ें एटलीस्ट मुझे चाहिए होगी, राइट। मुझे एटलीस्ट ये तीन चीज़ें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये और ईमेल एटलीस्ट मुझे चाहिए होगी ना। वेल, इससे भी पहले एक काम है, इससे भी पहले एक काम ये है, आओ ज़रा, याद आ गया ना अभी, इसको रिफ्रेश करता हूँ ना मैं, ये थोड़ी देर के लिए लॉगिन दिखता है, ये क्यों दिखता है, ये नहीं दिखना चाहिए मुझे, थोड़ी देर के लिए मुझे ये लॉगिन दिखता है, ठीक है, ये देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए लॉगिन का पेज बाकायदा दिखता है, और स्लो इंटरनेट होगा तो अच्छा खासा टाइम तक दिखेगा, ये नहीं दिखना चाहिए मुझे। अच्छा, इसका क्या इलाज है, इसका इलाज ये है कि मेरे पास असल में ना सही मानों में देखा जाए तो लॉगिन ट्रू फॉल्स के अलावा एक तीसरी भी स्टेट है कि जब मुझे पता नहीं है कि बंदा अभी लॉगिन है कि नहीं है, है ना। जैसे ही मेरा पेज लोड होता है तो मुझे ये पता नहीं है कि मेरा बंदा अभी लॉगिन है या नहीं है, अभी मैं डिटरमाइन करने की स्टेट में हूँ। तो उस वक्त इनिशियल वैल्यू जब भी मैंने क्या रखी हुई है यहाँ पे, इसकी नल रखवाई हुई है। कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ ना तो इस लॉगिन को मैंने इनिशियली नल रखवाया हुआ है,
कि ये ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, ये नल है। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं जो है ना अपना जो ये टर्नरी ऑपरेटर है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई अगर जो है इज लॉग इन इक्वल्स इक्वल्स अगर है ट्रू के, तो आप ये वाला नेव बार दिखाओ, है ना। पहले तो मैंने ट्रूथी और फॉल्सी पे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि भाई ट्रू हो तो ये दिखाओ, ट्रू हो तो ये वाला दिखा दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो एल्स पे किया हुआ था ना, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ अपना, इसको मैं बोलता हूँ भाई अगर अगर ट्रू नहीं हो ना तो एल्स पे कुछ मत दिखाओ नल, ठीक है। एल्स पे क्या करो, कुछ मत दिखाओ, और इसी को मैं पूरा डुप्लीकेट करता हूँ फिर। और मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्टली अगर फॉल्स हो तो क्या करो, तो ये वाला पार्ट दिखाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट दिखाओ। इसको मैंने दो अलग अलग बना दिया टू कीप इट सिंपल, सही है। इसको मैंने दो अलग अलग टर्नरी ऑपरेटर जस्ट इसलिए बनाया टू कीप इट सिंपल, इसको मैं एक में भी कर सकता था। लेकिन अब बात जो नोट करने वाली वो ये है कि मैं कहता हूँ कि जी स्टेट डॉट लॉग इन अगर एग्जैक्टली ट्रू हो ना तो आप ये दिखाओगे ये वाला नेव बार, ठीक है। एल्स में कुछ नहीं दिखवा रहा, मैं नल नल कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यार स्टेट डॉट इज लॉग इन अगर एग्जैक्टली फॉल्स हो तो आपने ये वाला दिखाना है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई तीसरी चीज़ हुई ना तो ये भी नज़र नहीं आएगा, ये भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, समझ रहे हो बात, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा क्या होगा, अब मेरा जो नेविगेशन बार है वो डायरेक्ट होम आएगा उसके अंदर, अगर लॉगिन है बंदा। तो जितनी देर वो डिटरमाइन कर रहा होगा ना उतनी देर कुछ नज़र ही नहीं आएगा स्क्रीन पर। अच्छा, यही काम मैंने नीचे वाले के साथ भी करना है, यही काम मैंने नीचे वाले के साथ भी करना है जो मेरा नीचे का स्टेट है, सही है। मैंने कहा कि इज़ लॉग इन इक्वल्स इक्वल्स अगर ट्रू हो तो ये वाला पार्ट दिखाओ, ठीक है, अदरवाइज़ क्या कर दो आप, नल कर दो, ठीक है। और अगर आपका इज़ लॉग इन अगर इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स हो तो आप क्या कर दो, आप ये वाला पार्ट दिखा दो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इज़ लॉग इन एग्जैक्टली अगर ट्रू के इक्वल हो तो आपने ये होम अबाउट चैट दिखाना है, अगर एग्जैक्टली फॉल्स हो तो ये लॉगिन साइन अप दिखाना है, ठीक है। अगर कोई भी तीसरी स्टेट हो तो कुछ भी नहीं दिखाना। लिहाजा क्या होगा, अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा ना तो थोड़ी देर के लिए मेरा पेज बाकायदा एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। एम्प्टी अभी नेटवर्क को स्लो करके करना पड़ेगा, ठीक है, पेज एम्प्टी दिख रहा है मुझे। और जब ये पेज आएगा तो डायरेक्ट ये होम पर आएगा, और अगर ये लॉगआउट हो जाता है, अगर मैं इसको जाके क्या कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, मैं टोकन, अच्छा अभी मैं टोकन हाथ से रिमूव कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं हाथ से रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हाथ से टोकन रिमूव करके लॉग आउट हो रहा हूँ, अभी मैं करता हूँ इसका लॉग आउट का क्या हिसाब किताब है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ये लॉगिन वाले पेज के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले कुछ दिखेगा फिर दूसरा कुछ दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इससे भी एक मसला होता है, लेकिन इससे एक मसला ये होता है कि अगर इतनी देर तक बंदे को ब्लैंक पेज दिखता है ना तो बंदे को लगता है ये वेबसाइट अभी तक लोड ही नहीं हुई है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं उसको, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। तो हम ये कहते हैं कि यार यहाँ पे ना ये भी नज़र ना आए और ये भी नज़र ना आए तो क्या नज़र आए। मैं कहता हूँ कि यार स्टेट डॉट डॉट लॉग इन अगर नल है ना तो यहाँ पे मुझे एक स्प्लैश स्क्रीन ज़रूर दिखानी है, ताकि उसको पता लग जाए कि जो है ना बंदा पेज लोड हो चुका है मेरा, लेकिन एक्चुअली अभी ये रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि जी डिव, ठीक है, अभी फिलहाल लोडिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई इमेज लगा सकता हूँ। इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोट कीजिएगा कि जब तक ये लोड हो रहा होगा इसको लोडिंग लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि मैंने नेटवर्क को स्लो किया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, ठीक है। थोड़ी देर लोडिंग लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस लोडिंग की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन लगा सकता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, मैं एक रैंडम को ही उठा रहा हूँ, रैंडमली मैं स्प्लैश स्क्रीन एक उठा लेता हूँ यहाँ से कोई,
लोडिंग पीएनजी लिखता हूँ मैं ज़रा। कोई ढंग का यार मिल नहीं रहा अच्छा सा। चलो अपना बना लेते हैं जल्दी से, नो प्रॉब्लम। क्या ख्याल है, अपना बना लिया जाए ना? हाँ अच्छा था। कौन सा वाला? यार इसका मसला ये है कि हाँ है तो ये अच्छा। इसका मसला ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, सेव इमेज ना, ओपन इमेज न्यू टैब, इसका जो बैकग्राउंड है ना दैट इज़ अ रियल इशू, क्योंकि स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशो जब चेंज होगा ना तो ये मस्ती करेगा, समझ रहे हो ना बात? तो बैकग्राउंड मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कुछ उसकी कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेल चलो इसी को लगाते हैं। अच्छा भाई कहाँ गया मेरे पास ये? डाउनलोड में चला गया। डाउनलोड्स में जाता हूँ मैं उसको, मैं कहता हूँ स्प्लैश डॉट जिफ, और इसको उठा के मैं कहाँ ले आता हूँ, अपने कंपोनेंट के अंदर मैं ले आता हूँ। और अच्छा इसको एक्चुअली SRC में रखना है मैंने, लेकिन SRC में मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सही है एसेट्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको रखवाता हूँ। ये मैंने कहाँ खुले में छोड़ दिया सही है, इसको मैं इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है बेहतर तरीका इसको करने का यही है। अच्छा अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है इसी तरह होती है ना इमेज इंपोर्ट। गलती तो नहीं कर रहा मैं कोई यहाँ पे, सजेशन नहीं देता ना कभी, तो जब लगता है कि गलती हो रही है कोई। अच्छा मैं कहता हूँ भाई ट्रू है तो ये दिखा दो, फॉल्स है तो ये दिखा दो, और नल है तो यहाँ पे क्या कर दो, एक आप क्या कर दो इमेज दिखा दो। सही है इसने खुद ही से कोई स्टाइलिंग वे स्टाइलिंग इस पर अप्लाई की है, देखते हैं कि क्या इसने सजेशन ठीक दिए या गलत दिए। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है? IMG स्टाइल डिव ओके, स्टाइल की ब्रैकेट्स में मसला है। ठीक है alt मैंने लिख दिया स्लैश, इसमें अभी भी एरर क्यों आ रहा है किस खुशी में? अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगनी थी एक्चुअली, ये ब्रैकेट यहाँ लगनी थी सही है। alt इज अनदर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे इसने कुछ स्टाइल मुझे सजेस्ट किया है किसने, ये कोड विस्परर ने किया है, चला के देखते हैं अगर क्या पता अच्छा चल जाए ये स्टाइल, नहीं चला तो हम इसको ज़रा अपने हिसाब से मॉडिफाई मार लेंगे। अच्छा मेरी जिफ का साइज़ क्या है भाई? दबे मेरी जिफ का साइज़ है 155 KB। ठीक है अच्छा मेरा स्प्लैश जो है वो लोड ही इतनी देर से हुआ कि जो है ना वो नज़र आ
अच्छा पहली दफ़ा में देर से लोड होता है, उसके बाद तो वो कैशे कर लेता है ब्राउज़र मेरा, तो अब नेक्स्ट टाइम पे वो मुझे नज़र आ रहा होगा एक्चुअली। थोड़ी देर के लिए नज़र आया, बहुत थोड़ी देर के लिए नज़र आया और चला गया वो। ठीक है, एक्चुअली मुझे उसको देखना है कि यार वो स्क्रीन पे वो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे एक्चुअली ये देखना है। उसके लिए मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा, वो करना ये पड़ेगा कि लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू के ऊपर ना मुझे इसको ट्रू पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉगिन ट्रू है ना, फॉल्स है अभी लॉगिन। अच्छा फॉल्स पे दिखा देता हूँ इसको मैं, सही है लॉगिन फॉल्स पे दिखा देता हूँ। और फॉल्स वाले को क्या करूँ, थोड़ी देर के लिए नल कर देता हूँ इसको मैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन में सेंटर ठीक तरह से हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अभी तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, लेकिन सम टाइम वो काफ़ी देर के लिए दिख रहा होगा। अगर इंटरनेट वगैरह स्लो है ना तो वो काफ़ी देर तक दिख रहा होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये मुझे नज़र आ रहा होगा, सही दिख गया यार। थोड़ा स्ट्रेच किया है बाय द वे इसने, उसको थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ है इसने, इसको मैं इसे स्ट्रेच से बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, इनसेट किया हुआ है इसने, और मार्जिन ऑटो करके उसको किया हुआ है, और जेड इंडेक्स मारा हुआ है, जेड इंडेक्स -1। ये स्क्रीन के साथ स्ट्रेच हो रहा है ये एक्चुअली, है ना, स्क्रीन के साथ स्ट्रेच। इसका क्या हल निकाला जाए, कौन सी सीएसएस इस पर लगाऊंगा मैं तो ये सेट हो जाएगा। इसको क्या ऐसा लगाऊं मैं कि ये स्ट्रेच ना हो, बल्कि ओवरफ्लो हो के वो हो जाए, फिट हो जाए, फिल हो जाए, सॉरी फिल करने के लिए मुझे इसको क्या लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मार्जिन ऑटो से ये मसला हो रहा है, नहीं यार मार्जिन ऑटो के अलावा भी हो रहा है। मैं इसको बोलता हूँ ओवरफ्लो एक्स जो है ना क्या हो जाए भाई, हिडन हो जाए। नहीं अभी भी ये आगे नहीं जाने दे रहा इसको, विड्थ इसकी 100% अगर मैं दे दूँ, नहीं विड्थ 100% तो पहले भी एक्चुअली है इसके ना, असल में कोई ऐसी इमेज होती ना जो पीएनजी होती, तो मैं क्या करता बैकग्राउंड पे एक कलर लगाता बॉडी के ऊपर, उस पर क्लास अप्लाई करके ना बॉडी पे एक कलर लगाता, और उसको मैं क्या करता था फ्लैक्स बॉक्स के जरिए उसको सेंटर कर देता मैं। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ रही है, इसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है कि इसके मतलब इस इमेज को स्क्रीन के सेंटर में लाना पड़ रहा है, और क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशो डिफरेंट है तो इसमें मुझे फिल वाली स्ट्रेटजी करनी पड़ रही है थोड़ी ना। तो ये काम कैसे करना पड़ेगा मुझे, डिस्प्ले स्प्लैश स्क्रीन विथ फिल रिएक्ट, हाउ टू फिल स्क्रीन। टू फिल स्क्रीन, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ यही सेम सवाल कि जी वो फिल करने के लिए मैं कैसे उसको डिस्प्ले करवाऊँ। इसने तो यहाँ पे जस्ट स्प्लैश स्क्रीन लगा दिया और बस, और कुछ नहीं किया। स्प्लैश स्क्रीन एक्चुअली एक कंपोनेंट के तौर पे इसने बना दिया। स्प्लैश स्क्रीन में क्या लिखा है वो नहीं बताया। अच्छा इन्होंने स्प्लैश स्क्रीन पहले से बनाया हुआ, क्लास नेम स्प्लैश स्क्रीन, और क्या स्टाइलिंग क्या लगाई है स्टाइलिंग नहीं बताई।
वेल तो अभी हम यार इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, अभी ये CSS का इशू है, इट्स मोर ऑफ अ CSS इशू, ठीक है, इट्स नॉट अ JavaScript इशू, बट ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुई कि ये स्क्रीन के साथ साथ ना क्या होता है, ये स्ट्रेच होता है, तो समाव अगर इसको मोबाइल डिवाइस पे खोला जाएगा ना तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, स्ट्रेच हुआ होगा ना, तो जो कि हमें क्या करना है, जो कि हमें नहीं चाहिए इस तरह का ये, ठीक है। तो मैं वापस से इसको क्या कर देता हूँ, जो जहाँ था वहीं ले आता हूँ कि जी वो वेल तो अभी मेरे पास क्या स्ट्रेटजी हो चुकी है इस वक्त, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास इज लॉगिन अगर ट्रू हो तो एक अलग नेविगेशन बार दिखाओ, इज लॉगिन फॉल्स हो तो एक अलग नेविगेशन बार दिखाओ, उसके बाद राउट्स एक अलग दिखाओ और ये एक अलग दिखाओ। अच्छा, अब ये मेरे पास जो दो तीन अलग अलग कंडीशंस है ना, इनको अब मैं मर्ज करने जा रहा हूँ, तो उसको गौर से देखें, अगर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आपसे सारा ही शायद मिस हो जाएगा। ये नेविगेशन बार है, लॉगिन ट्रू होने की सूरत में मुझे एक फिक्स नेविगेशन बार और उसके नीचे एक फिक्स राउटिंग दिखानी है ना, तो क्यों ना मैं इसको एक में कर दूं, ये ट्रू वाले को मैं यहाँ से राउट्स उठाता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ और इस ट्रू वाले को पूरे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, नेविगेशन बार के नीचे ही ये राउट आ गया, सही है, नेविगेशन बार के नीचे ही क्या आ गया, ये राउट आ गया। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है तो उसको मैं एक खाली इसमें ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ट्रू वाला मैंने पूरा एक तरफ कर दिया। अच्छा, इसी तरह फॉल्स में मुझे एक नेविगेशन बार दिखाना है और एक मुझे ये राउटर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं एक में कर दूँगा, ठीक है, उसके नीचे मैं वही खाली वाला एक ये लगा दूँगा। इसमें कोई गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। तो अब आप नोट करें, अब मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर टोटल कितने हैं, एक ट्रू वाला है, एक फॉल्स वाला है, एक नल वाला है, दैट्स इट। जो ट्रू वाले में दोनों काम मैंने कर दिया, नेव बार भी इसमें रख दिया और नीचे राउट भी इसके अंदर रखवा दिया, फॉल्स वाले में भी मैंने क्या कर दिया, नेव बार फॉल्स का इधर ही रखवा दिया और राउट मैंने इधर ही रखवा दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन नल पे रखवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे ये पहले करता था, बस मैंने वो जो बहुत ज़्यादा मेरे पास टर्नरी हो गए थे ना उनको मैंने ज़रा कम कर लिया, ठीक है। अगेन मेरे पास अभी क्या है, नेटवर्क के ऊपर ये स्लो नेटवर्क को इनेबल किया हुआ है, स्लो 3G को इनेबल किया हुआ है, तो मेरे पास क्या होगा यार, ये हर दफ़ा इसको लोड करता है क्या इस इमेज को, नहीं सही है, 304 है, नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। इस इमेज पे मैंने ना केशे करवाना है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इस पे केशे कर तो नहीं रहा है, इसके ऊपर केशे ये, अगर मैं इसको पूरा ही बंद कर दूँ, एक नॉर्मल यूज़र की तरह मैं इसको हिट करूँ, एक नॉर्मल यूज़र की तरह हिट करने में तो वो दिख भी नहीं रहा ना स्प्लैश स्क्रीन मुझे। चलो मैं लॉग इन ज़रा करके ट्राई करता हूँ, और अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ, ठीक है, लॉग इन हो गया। लॉग इन होने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो स्लैश स्क्रीन बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑन अदर एंड क्या होता है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ज़रा डिले करके ना, जानबूझ के मैं डिले करवाऊँ और डिले करवा के मैं स्लैश स्क्रीन थोड़ी देर दिखाऊँ, ठीक है, और कुछ ऐप्स में ये हो रहा होता है बकायदा कि कुछ देर ना डिले करके आपको स्लैश स्क्रीन दिखाई जाती है, लेकिन शायद वो करना मुनासिब नहीं है, सही है, आप डिफरेंट रीज़न के तहत वो करते हैं लोग, अगर उस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं उसको स्प्लैश स्क्रीन जानबूझ के थोड़ी देर डिले करके दिखाऊं, ठीक है। थोड़ी देर डिले करने के लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि इस यूज़ इफेक्ट के अंदर आके ना, जो ये मेरी API कॉल है, ये वह API कॉल, तो API कॉल के बाद जो मैं डिस्पैच कॉल करता हूँ ना, ये डिस्पैच में थोड़ा सा डिले कर दूंगा तो वो डिले हो जाएगा, लेकिन मुझे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये मेरा काम हो गया, ओके हो गया, सेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और कोई ऐसी चीज़ जो इसके अंदर रहती हो, अच्छा एक चीज और इसमें रहती है हमारी, अभी तो हमारे पास जो लॉगिन होने वाला बंदा है ना वो सिर्फ यूजर है, अभी हमारे पास जो है लॉगिन होने वाला जो बंदा है वो सिर्फ यूजर है। अगर मेरे पास ऐसा हो कि लॉगिन होने वाले बंदे का जो रोल हो वो यूज़र और एडमिन दो अलग अलग हो सकता है, तो अभी हमारे पास स्टेट कितनी है, तीन है, कि एक लॉगिन ट्रू, एक लॉगिन फॉल्स और एक लॉगिन नल, कि भाई डिटरमाइन हो रहा है। फिर हमारे पास स्टेट कितनी हो जाएगी,
एक तो नल से शुरू होगा, डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। दूसरा लॉगिन हो गया है तो या तो वो यूज़र होगा या तो वो एडमिन होगा। और चौथी स्टेट होगी हमारे पास फॉल्स कि भाई लॉगर। तो अभी तीन स्टेट है, चार स्टेट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो इन चारों स्टेट को फिर मैं हैंडल कर रहा हूँ। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे तीन बनाया हुआ ना मैंने, लॉगिन ट्रू, लॉगिन फॉल्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लॉगिन इक्वल्स टू एडमिन, लॉगिन इक्वल्स टू यूज़र, और लॉगिन इक्वल्स टू फॉल्स, और लॉगिन इक्वल्स टू नल। फिर चार स्टेट हो जाएंगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया काम। अच्छा इसके अलावा मेरे पास जो ये अभी था ना कि सर्वर से जो यूज़र आ रहा था वो जस्ट ट्रू फॉल्स आ रहा था, उसको भी ज़रा सही कर लेते हैं लगे हाथों। यहाँ पे मैं गया auth.js में, और auth.js में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लॉगिन सक्सेसफुल है ना इसके साथ मैं क्या करवाता हूँ, एक डेटा भी भिजवाता हूँ। और उस डेटा में क्या भिजवाता हूँ मैं डेटा में ये चीज़ भिजवाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा और इसी डेटाबेस के अंदर ना मेरे पास एक चीज़ होगी, एडमिन ट्रू या एडमिन फॉल्स भी होगा ना। एक नॉर्मल यूज़र होगा तो उसमें एडमिन फॉल्स होगा, और एक एडमिन टाइप का यूज़र होगा तो उसमें एडमिन ट्रू होगा। अच्छा अभी तो मैंने देखो यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है ना, एडमिन ट्रू एडमिन फॉल्स हाथ से लिखा हुआ है मैंने यहाँ। एक्चुअली मेरे पास ये डेटाबेस में होना चाहिए था। आओ डेटाबेस में जल्दी से ये लिख देते हैं। डेटाबेस मेरा किधर चला गया, किधर शार्ट हो गया मेरा डेटाबेस, mongodb.mjs। हाँ जहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ मैंने वहाँ पे उसको ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है कि जी वो ना एडमिन को फॉल्स रखे। यानी फ्रंट एंड से जब बंदा साइन अप होता है तो वो एडमिन को फॉल्स रखे, ठीक है ना। अच्छा साइन अप पे होता है ना यूज़र, फ्रंट एंड से जो यूज़र क्रिएट होता है वो साइन अप पे होता है। तो साइन अप पे यहाँ होते हुए ना मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ ना एक बात लगाता हूँ कि यार इज एडमिन फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। इज एडमिन को मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, फॉल्स रखा है जब बंदा फ्रंट एंड से साइन अप होता है, ठीक है। अच्छा अब वो एडमिन करके मैं कहाँ से साइन अप करूँगा वो बाद में देख लूँगा कि कहाँ से करना है। या तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग फॉर्म बनाऊँगा कि वहाँ से साइन अप हो तो वो एडमिन हो, या फिर मैं जाके इसको ट्रू कर दूंगा हाथ से जाके डेटाबेस में। किसी एक यूज़र को हाथ से मैंने ट्रू कर दिया, मैं बोलूँगा अच्छा जी ये एडमिन कंसिडर कर लूँ एडमिन, क्योंकि एक या दो ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो मैं हाथ से भी जाकर ट्रू कर सकता हूँ। तो मैंने डेटाबेस में साइनअप करवाते हैं ना बाय डिफॉल्ट, इसको बोला जी इसको फॉल्स रखो आप एडमिन को, ठीक है। और मैं ये साइनअप बंद करा देता हूँ। तो अभी मेरे पास जो साइनअप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो अभी यूज़र जो बना हुआ है वो उसमें तो है ही नहीं इज़ एडमिन, मैं ट्रू है ना फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ इसको कि जी यहाँ से ये यूज़र भेज रहा हूँ ना मैं, सही है, लॉगिन के रिस्पांस में जो मैं यूज़र भेज रहा हूँ यहाँ पे, लॉगिन के रिस्पांस में जो यूज़र भेज रहा हूँ इसमें मुझे इज़ एडमिन क्या चाहिए, मुझे या तो चाहिए रिजल्ट डॉट इज़ एडमिन, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट इज़ एडमिन में क्या होगा, या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो फॉल्स होगी, लेकिन मेरे इस केस में कुछ भी नहीं होगा, नल होगा, अनडिफाइंड होगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो अनडिफाइंड है तो मैं फ्रंट एंड पे इसको इस तरह से हैंडल करूँगा कि ट्रू के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसको वो फॉल्स ही कंसिडर करें, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली डेटाबेस को मॉडिफाई करने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, हम नो सीक्वल डेटाबेस पे चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ना नल, इसको बोलते हैं नल चेक, नल चेक में हम ट्रू के अलावा तमाम तरह की वैल्यू को हम फॉल्स कंसिडर कर रहे होते हैं। तो मैंने इस एडमिन यहाँ पे लगा दिया कि जी ये फॉल्स आएगा, या तो अनडिफाइंड वगैरह कुछ आ गया तो भी हम उसको फॉल्स ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये जे डब्ल्यू टी का जो टोकन का मैं पेलोड बना रहा था, यहाँ पे भी मैं अब क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट इज एडमिन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे अनडिफाइंड या फॉल्स या ट्रू कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेलोड में भी ये आ रहा होगा मेरे पास। अच्छा अब जब मैं फ्रंट एंड के ऊपर जाकर लॉगिन को परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, आ जाओ मैं इसको ज़रा यहाँ पे हाथ से इसको ज़बरदस्ती लॉग आउट करवाता हूँ पहले। ठीक है ये मैंने हाथ से इसको ज़बरदस्ती लॉग आउट करवाया, और जब अब ये मैं लॉगिन परफॉर्म करूँगा तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे यूज़र का ना पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। लॉगिन हिट किया मैंने, ठीक है, ये 200 आ गया मेरे पास। अब ये 200 पे देखो मुझे प्रीव्यू पे क्या मिला है, मुझे ये पूरा लॉगिन करने पे ना ये पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। यार इसमें वो नहीं आया इज़ एडमिन, अनडिफाइन आना चाहिए था एटलीस्ट उसको, ये क्यों नहीं आया,
ओके अनडिफाइन होने की वजह से ना उसने शायद वो की को ही रिमूव कर दिया, ये शायद एक्सप्रेस ने कुछ किया है। स्टिल मैं स्टिल अगर मैं गेट करता हूँ ना डॉट इज एडमिन डेटा डॉट इज एडमिन मैं गेट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो अनडिफाइन ही मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, स्टिल मैं अगर यहाँ पे डेटा डॉट इज एडमिन की हालांकि की मौजूद नहीं है लेकिन मैं अगर डॉट इज एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो मुझे अनडिफाइन ही मिल रहा होगा वो। ठीक है, तो मेरा काम मेरी लॉजिक डिस्टर्ब नहीं हुई अभी भी इसके ना आने के बावजूद भी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा एक्चुअली, अब मैं आके अपने जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है जो मेरी, ठीक है, जो यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म होने पर, पहले तो मैंने लॉगिन परफॉर्म होने पर जस्ट ट्रू फॉल्स करवा दिया था ना, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि मेरे लॉगिन परफॉर्म होने पे मैं किसको पेलोड भी दे रहा हूँ। ठीक है, और इस पेलोड में मैं क्या करवा रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा पूरा का पूरा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मुझे क्या चीज़ मिलती है, मुझे मिलती है दो चीज़ें ना, कहाँ गया मेरा वो, ये रहा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मुझे एक तो डेटा मिलता है एक मैसेज मिलता है, तो मैसेज का मैंने कुछ नहीं करना, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। ठीक है, ये चीज़ मैं पास करूँगा यहाँ पे। अच्छा, इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह का डेटा होना चाहिए इसमें। ठीक है, ईमेल होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, और इज एडमिन अगर है तो ट्रू और अगर मौजूद ही नहीं है तो फॉल्स, ये चार चीज़ें मुझे इसके अंदर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ जी डिस्पैच के ऊपर, या ना यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेटा जो मैंने यहाँ से भेजा है उस यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन पे, अब मैं जाके क्या करूँगा मेरे रिड्यूसर में मैं ये चारों चीज़ों पे वैलिडेशन लगाऊँगा ताकि कभी गलत डेटा यहाँ से कोई पास ना कर दे, है ना। आ जाते हैं जी, मेरा कहाँ गया जी मेरा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन के अंदर आके ना मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लगाऊँगा, मैं बोलूँगा कि इफ़, सबसे पहले तो वो चार चीज़ें होना ज़रूरी हैं ये मैं चेक करूँगा यहाँ पे ना। ठीक है, मैंने कहा कि जी मेरा जो है एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए। ठीक है, एंड एंड क्या होना चाहिए मेरे पास, लास्ट नेम होना चाहिए और ईमेल होनी चाहिए। सही है जी, लास्ट नेम होना चाहिए और मेरे पास ईमेल होना चाहिए। ठीक है, और इज एडमिन हो या नहीं हो तो चलेगा, मैं उसको नीचे उसका कुछ जुगाड़ मारता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी चीज़ अनडिफाइन होगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने ये सारा यहाँ पे क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया, तो ये सारी सिचुएशन जब मीट करेगी तो जब ही ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि जी इसको क्या कर दो, इस लॉगिन को ट्रू कर दो। ठीक है, अभी इस लॉगिन को ट्रू के अलावा भी मैंने उसमें कुछ एक दो चीज़ें और भी करवानी है। अच्छा, उसके अलावा मैं अब यहाँ पे क्या करवाने लगा हूँ, एक और भी मैंने चीज़ चेक करवानी है ना, एक और भी मैंने चीज़ ये चेक करवानी है कि इस एडमिन के अंदर अगर ट्रू या फॉल्स है तो उस बेसिस पे क्या करो, मेरा जो मेरा जो होगा ना यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेट होगी मेरी उसके अंदर इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं हैंडल कर रहा हूँ कि बंदे का रोल क्या है। ठीक है, बंदे का रोल जो है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, इसको करने का ना दो तीन तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस लॉगिन को जो है ना मैं चेंज ही कर दूं एंटायरली। ठीक है, और मैं उसको बना दूं कि जी रोल, और रोल में मैं एक वक्त में या तो एडमिन होगा या तो यूज़र होगा या तो नल होगा। अगर नल है तो इसका मतलब है बंदा लॉगिन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे पास टोटल चार स्टेट है ना, तो मुझे ऐसी चीज़, ये तो तीन स्टेट हुई, ये नल यूज़र और एडमिन, ये तो तीन स्टेट हुई, चौथी स्टेट, चार स्टेट मुझे बनानी पड़ेगी। तो मैं कोई ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ, कोई ऐसा नाम रखता हूँ कि उसको मैं चार स्टेट कर सकूँ, तो वो क्या नाम हो सकता है। अगर इस लॉगिन को ही मैं अगर फॉल्स कर दूँ तो बंदा लॉग आउट, नल कर दूँ तो डिटरमाइन हो रहा है, और इसी के अंदर मैं जो है ना यूज़र और लॉगिन भी लगा दूँ, ये तरीका हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं अलग से रोल अलग से कर लेता हूँ, एक रोल और एक इज लॉगिन, ये दो चीज़ें मैं रखता हूँ, फिर मैं कंडीशन उस दोनों को जहन में रखते हुए मैं कंडीशन लगा लूँगा वहाँ पर। ठीक है,
अच्छा, तो अब ये जो रिटर्न होने वाली चीज़ है ना, इज़ लॉगिन ट्रू, चलो ये इज़ लॉगिन तो ट्रू हो गई होगा, साथ में मुझे और क्या चाहिए? अब यहाँ पे यूज़र का एक रोल चाहिए, ठीक है? रोल इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ, रोल इक्वल्स टू मैं ये लगाता हूँ कि भाई एक्शन डॉट पेलोड डॉट इज एडमिन, अगर है ट्रू है, अगर मेरा ख्याल है इसको पूरी लॉजिक को मैं बाहर लगा लेता हूँ, ठीक है? अगर तो इज एडमिन ट्रू है अगर, तो ट्रू रखवा दिया जाए, ठीक है? अदरवाइज फॉल्स रखवा दिया जाए। ये बात समझ आई सबको? मैंने ये रोल डिटरमाइन कर लिया है यहाँ पे कि अगर इस पेलोड के अंदर आने वाले डेटा में अगर रोल मौजूद नहीं है, अगर तो इज एडमिन ट्रू है अगर, तो उसमें ट्रू रखवा दिया जाए, अदरवाइज इसमें फॉल्स रखवा दिया जाए। और मैंने कहा भाई रोल इक्वल्स टू रोल हो गया ये, ठीक है? उसके अलावा यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखवाने लगाऊँ, यूज़र का पूरा क्या रखवाने लगा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखवाने लगा हूँ। अच्छा, यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह मैं क्या रखवाऊँगा, यहाँ पे मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है? यूज़र के ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम होगा, ठीक है? इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ठीक है? लास्ट नेम होगा इक्वल्स टू लास्ट नेम, ईमेल होगा इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है? देखो मैं यहाँ से पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो भी मुझे पेलोड के अंदर डेटा मिला है उसके अंदर से पिक एंड चूज़ करके मैं यूज़र के अंदर डाल रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के मैंने नहीं डाला, ठीक है? ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाए तो मेरे डेटा स्टोर तक ना पहुँच सके, अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल के भेज देता है तो मेरे डेटा स्टोर तक नहीं पहुँचेगी वो, तो इसलिए मैंने इस तरह से की है। अच्छा, और यूज़र इक्वल्स टू मैं यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ। अच्छा, अब ये तीनों इज लॉगिन, रोल और यूज़र, ये तीनों चीज़ें जो मैंने यहाँ से भिजवाई हैं, मैं ये मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये तीनों कीज़ मेरे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई में पहले से मौजूद हैं, ठीक है? और उनकी इनिशियल वैल्यू सेट है, ठीक है? तो इस लॉगिन तो पहले ही से था, रोल और यूज़र को मैं देख लेता हूँ। आ जाते हैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? यूज़र भी है, रोल बना लेते हैं हम, रोल को हम शुरू में रख देते हैं नल, ठीक है? रोल नल है, इस लॉगिन भी नल है। अच्छा, ये नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाते हुए बनाया था, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? डार्क थीम भी वैसे अभी यूज़ नहीं हो रहा लेकिन जस्ट है यहाँ पे। तो यूज़र जो है वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, रोल जो है वो नल है, ठीक है? नल का मतलब है कि रोल अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया, और इज लॉगिन भी नल है, तो इज लॉगिन भी डिटरमाइन नहीं हो पाया, तो अभी तक नल है। अच्छा, जैसे ही अब बंदा लॉगिन होगा तो यूज़र के अंदर क्या आ जाएगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? रोल के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, नल होगा, ठीक है? या यूज़र होगा, ठीक है? या एडमिन होगा, ठीक है? ये तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? इसमें क्या होगा कि जी नल होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है? और इसके अंदर क्या होगा जी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा और ईमेल होगा, ठीक है? फर्स्ट नेम का एन कैपिटल होगा, लास्ट नेम होगा और ईमेल होगा, ठीक है? ये तीन चीजें इसके अंदर होंगी। टाइम ज्यादा हो गया, चलो कंप्लीट करते हैं जी। ये क्या हुआ, फर्स्ट नेम कैन नॉट रीड फर्स्ट नेम, किस जगह पे एरर आ गया? ये क्या कर दिया मैंने यार, अच्छा इन सब में वैसे तो नलिश ऑपरेटर मुझे चाहिए होगा ना, इन सब में नलिश ऑपरेटर लगवाया मैंने ताकि कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे से सही ना आए तो उसको ये गड़बड़ ना करे उसके साथ। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है रिड्यूसर में। अच्छा, लॉगिन के ऊपर हम आ जाते हैं। अच्छा, अब जब मैं लॉगिन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट में क्या, अच्छा कॉन्टेक्स्ट को ज़रा यहाँ पे प्रिंट भी तो करवा लेता हूँ ना मैं, किधर प्रिंट करवाऊँ यार? लॉगिन होने के बाद मुझे क्योंकि वो वैल्यू मिलेगी तो मुझे कहीं अबाउट में प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है? अबाउट के पेज पे ना वो सारा डेटा प्रिंट करा लेता हूँ ताकि मुझे दिखे तो सही कि आ क्या रहा है वहाँ पे। होम पे ये सारी चीज़ ना, ये मैं क्या कर लेता हूँ, अबाउट के पेज पे लगा लेता हूँ जाके,
ये मेरा अबाउट का पेज है। ये अबाउट का पेज आ गया मेरा, इसके ऊपर मैंने एक चीज़ ये लगा ली और दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, ये वाली चाहिए, ये चाहिए दूसरी चीज़ मुझे, और तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। और स्टेट के अंदर एक्स वाई जेड जो कुछ भी है मैं उसको इस डिफ के अंदर क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, राइट, ठीक है, जो भी कुछ स्टेट के अंदर है मैं उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। और इसी तरह से उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ लॉगिन के पेज पे भी, क्योंकि मैं लॉगिन के पेज पे भी देखना चाह रहा हूँ ना कि अभी स्टेट में क्या मौजूद है। तो ये लॉगिन के पेज के ऊपर भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस तरह से स्टेट को, पूरी की पूरी स्टेट को, स्टेट में जो कुछ भी है, तो स्टेट में देखो अभी ये कुछ है इस वक्त, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं लॉगिन परफॉर्म करता हूँ तो अब इस स्टेट में जो कुछ होगा मुझे अबाउट के पेज में मैंने उसको प्रिंट करवाया हुआ है। लॉगिन का बटन हिट करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं सीधा अबाउट में चले जाता हूँ। तो अभी मेरे पास स्टेट में ना ये कुछ मौजूद है। अरे भाई ये उधर कहाँ चला गया, ठीक है, मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है स्टेट के अंदर कि जी रोल इक्वल्स टू, रोल इक्वल्स टू फॉल्स कैसे हो सकता है, रोल इक्वल्स टू फॉल कैसे हो सकता है यार, और रिड्यूसर में मैंने क्या गड़बड़ की है, रोल इक्वल्स टू, ओके हाँ मैंने गड़बड़ की है ना, ये रोल के अंदर या तो इज एडमिन होगा तो एडमिन रखूंगा मैं, और यूज़र होगा तो यूज़र रखूंगा, ये मैंने गड़बड़ की है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर चाहिए था, ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो मैं इसमें क्या रखवाता, एडमिन रखवाता, और अदरवाइज इसके अंदर मैं यूज़र रखवाता, ठीक है। और शुरू में तो ये क्या कहते हैं है ही वो, ठीक है, शुरू में तो ये नल है, ठीक है, रोल जब तक डिटरमाइन नहीं होगा तो ये नल रहेगा, अच्छा ये हो गया। और ये इज लॉगिन जो है ये ट्रू होगा क्योंकि ये यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन का हिट है, तो यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन के हिट के ऊपर लॉगिन हमेशा ट्रू ही होगा, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। और लॉगआउट के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करवाऊंगा अभी, एक्चुअली लॉगआउट करने पे इसको वापस मैं इसके इनिशियल स्टेट में लेकर आऊँगा, ठीक है, लॉगआउट में। अच्छा अभी इसको ज़रा मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा एक्चुअली, ये लॉगआउट कैसे हो गया यार, अभी तो लॉगिन था ये, नहीं स्टेट चेंज हो गई तो क्या हुआ, ये टोकन तो पड़ा है यहाँ पे, इसको डिटरमाइन कर लेना चाहिए, रिफ्रेश करने पे इसको डिटरमाइन कर लेना चाहिए ना, वो यूज़ इफेक्ट चलना बंद हो गया क्या। ओ एक्चुअली एक्चुअली लॉगिन के पेज पे मैंने जो डिस्पैच करवाया ना उसमें मैंने डेटा दे के डिस्पैच करवाया, लेकिन रिफ्रेश होने पर जो डिस्पैच आता है उस पर मैंने एक्चुअली वो डेटा नहीं मिलता उसको उस जगह पर, तो इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक API ऐसी बनानी पड़ेगी जो हम कहेंगे कि जी स्लैश प्रोफाइल वाली, कि जिससे पूरा का पूरा प्रोफाइल यूज़र अपना क्या कर रहा होगा, गेट कर रहा होगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्रोफाइल को गेट करने के लिए मैं एक API बनाऊंगा, मैं चलता हूँ अपने auth.js के अंदर और क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जिस तरह से ये किया हुआ है ना ये यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन करके, तो इस पूरे आइटम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसके ज़रिए एक नई API बना लूँगा। कहाँ पे बनाऊँगा मैं, जो पोस्ट वाला इसी के अंदर ही बना लेता हूँ मे बी, मैं फ़िलहाल बाद में इसको मैं मूव करवा दूँगा कहीं और, ठीक है। तो ये गेट वाला ही काम एक्चुअली इसके अंदर हो रहा होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, स्लैश प्रोफाइल होगा इसका नाम, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर बना रहा हूँ, बाद में मैं इसको क्या कर दूँगा कहीं और मूव करवा दूँगा, ठीक है जी। स्लैश प्रोफाइल, और इसके अंदर मुझे कोई इनपुट नहीं चाहिए इस तरह का, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे जस्ट क्या चाहिए कि ये फाइंड वन करके लाए, किसको करके लाए, यूज़र कलेक्शन से ये फाइंड करके लाए, एक ईमेल इसको मिले। अच्छा ये ईमेल भी मुझे बॉडी में जो मिलती थी बॉडी में नहीं मिलेगी अब मुझे, ये कहाँ पे मिलेगी मुझे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड, ये डिकोडेड क्या चीज़ है, जो हर दफ़ा टोकन आता है मेरे पास, याद है मैंने इसको डिकोडेड में रखवाया हुआ है, तो वो डिकोडेड डॉट ईमेल के अंदर मुझे ये मिल रहा होगा,
ठीक है, मैं अगेन अगर कोई भूल गया तो मैं उसको याद दिलाता चलूँ कि ये सर्वर का जो मेन पेज है मेरा, यहाँ पे मैंने जो ये लगाया हुआ है, इसमें मैं हर दफ़ा क्या करता हूँ, ये इसको पार्स करके ना इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड में रखवा देता हूँ, तो हर दफ़ा मुझे ये ईमेल मिल रही है, ये किस बंदे की ईमेल है जो इस वक्त लॉगिन है, ठीक है। और अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो ये राउट को पार्स करके आगे जाएगा ही नहीं वो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड डॉट ईमेल, इससे फाइंड वन करके लाओ यूज़र कलेक्शन के अंदर से। अच्छा, यूज़र कलेक्शन यहाँ ऊपर मौजूद है? यूज़र कलेक्शन मौजूद नहीं है। यूज़र कलेक्शन को मैं ऐसे इम्पोर्ट करा लेता हूँ। कहाँ गया यार वो, गुम कर दिया मैंने गिरा। अच्छा, तो यूज़र कलेक्शन में से फाइंड आउट करके लाओ और मुझे रिजल्ट में निकाल के ना, ये रिजल्ट पूरा का पूरा मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रिजल्ट पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट किस तरह से चाहिए मुझे? मैसेज में मुझे चाहिए प्रोफाइल फैच, कुछ भी लिख दिया मैंने। और डेटा के अंदर मुझे क्या चाहिए? ये तीन चीज़ें चाहिए मुझे। क्या चाहिए जी? फर्स्ट नेम, और मुझे चाहिए लास्ट नेम, ठीक है, और चाहिए मुझे ईमेल। आराम से देखोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी हम प्रोग्रेसिवली अपनी ऐप को बना रहे हैं ना, तो एक एक करके हम इस पर ब्लॉक्स रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं। ऑब्वियसली मुश्किल तो ये है। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक अलग से स्लैश प्रोफाइल बना दी। बस ये लास्ट काम करके हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्लैश प्रोफाइल करके मैंने एक एपीआई बना दी। अब ये एपीआई मैं हिट कर रहूँगा अपने, जो मैं डमी एपीआई हिट मारता था ना ऐप डॉट जेएस से आगे, मैं इसको नहीं हिट मारूंगा अब, यहाँ से मैं स्लैश प्रोफाइल को हिट मारूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोफाइल मिलेगी। और जब यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन मारता हूँ मैं, तो साथ में क्या डालूंगा, मैं पेलोड डालूंगा और पेलोड में ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डालूंगा, ठीक है, ताकि रिफ्रेश करने पर ये डिटरमाइन कर पाए कि जो है ना वो हो गया। इंटरनेट बंद हो गया क्या मेरा? एक मिनट, टोकन है, टोकन तो है मेरे पास। अच्छा जी, रिफ्रेश रिफ्रेश, मैं नेटवर्क में चला जाता हूँ अपने पास। यहाँ से मैं लॉगिन के एक्शन को परफॉर्म करता हूँ। सर्वर पे कोई एरर आ गया एक्चुअली, सर्वर पे क्या एरर आ गया? ओके, यूज़र कलेक्शन, इसको नहीं समझ आ रहा क्या चीज़ है। यूज़र कलेक्शन कहाँ से इसको मिली है ज़रा देख लेते हैं हम। auth.mjs में ये यूज़र कलेक्शन कहाँ से आता था? ये ऐसे ऊपर बनाया हुआ था, तो चलो यहाँ पे भी मैं ऊपर बना देता हूँ। इसको यहाँ से इंपोर्ट कराने में समझ नहीं आ रहा इसको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया कि जी क्लाइंट ठीक है, एक कलेक्शन मैंने ऊपर यहाँ पे बना ली। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये मेरे साथ, ठीक है। 401 प्रॉपर दे रहा है। अब मैं लॉगिन एक्शन परफॉर्म करता हूँ यहाँ से, और लॉगिन एक्शन परफॉर्म करते ही यहाँ पर आता है। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वो ऐप डॉट जी एस से जो चलता है, तो उसको भी डिटरमाइन सही कर लेना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जब, तो ये सही डिटरमाइन कर लेता है, क्योंकि अब ऐप डॉट जी एस वाले को भी जो एपीआई मिलती है, एपीआई हिट करता है वो, तो अब मैं स्लैश प्रोफाइल वाला हिट कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा प्रोफाइल वो उसको मिल रहा होता है वहाँ पे से, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैंने एक चीज़ मिस कर दी है यहाँ पे इस स्लैश प्रोफाइल में, मुझे ये इज़ एडमिन भी इसको देना है। स्लैश प्रोफाइल जो हिट होती है ना यहाँ पे, मुझे इज़ एडमिन भी इसको देना है, ठीक है, रिजल्ट डॉट इज़ एडमिन, क्योंकि इज़ एडमिन भी अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखवाता हूँ नए साइनअप के ऊपर, ठीक है, ताकि जब ये वाली चीज़ भी ना इसको सही तरह से मिल रही हो, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि जब बंदा लॉग इन कर जाता है ना जब, तो लॉगिन की एपीआई के ऊपर अगर हम प्रोफाइल नहीं दे रहे हैं, तो प्रोफाइल की एपीआई अलग से होती है, तो उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी कर रहे होते हैं कि लॉगिन पे हमें पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, लॉगिन होने के बाद हम एक दूसरी एपीआई हिट करते हैं जहाँ से मुझे प्रोफाइल मिलता है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल प्रोफाइल की एक एपीआई होती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो सेटअप है उसके अंदर लॉगिन पे भी प्रोफाइल मिल जाता है और प्रोफाइल की एपीआई अलग से भी बनी हुई है, तो वहाँ से भी हमें मिल जाता है, ठीक है। इससे हमारी एक एपीआई कॉल बच जाती है, ठीक है। इसको मैंने अभी यहाँ रखा है, मैं इसको इन फ्यूचर में मूव करवा दूँगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है ना, जो मल्टी रोल वाला जो सेटअप था वो हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, मल्टी रोल सेटअप हमारे पास अब कंप्लीट ये हो चुका है कि हमारे पास अब देखो अबाउट में जाऊंगा ना मैं, तो अबाउट में देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और यहाँ पे रोल के अंदर यूजर लिखा हुआ है, ठीक है, और इस लॉगिन के अंदर ट्रू लिखा हुआ है। तो ये रोल के अंदर जो यूजर लिखा हुआ है ना, ये मैंने अचीव करना था। अब सम टाइम इसके अंदर एडमिन भी लिखा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आकर एक्चुअली अपने ऐप डॉट जे एस के अंदर, कि इसको मैं लास्ट ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस लॉगिन ट्रू है अगर बंदा, ठीक है, इस लॉगिन ट्रू है एंड साथ में वो एडमिन भी है अगर, तो मैं अलग पेज दिखाऊंगा उसको, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहले कि ये क्या हो गया जी मेरे पास, एडमिन राउट्स, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा जी, यूजर राउट्स, ठीक है, उसके बाद मेरे पास होगा अनऑथ राउट्स, ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड राउट्स, उसके बाद मेरे पास होगा स्प्लैश स्क्रीन, सही है। तो अनऑथ राउट तो मेरे पास ये देखो आ गया फॉल्स वाले पे ना, जब ये इस लॉगिन फॉल्स होगा तो इसका मतलब है अनऑथेंटिकेटेड है, तो यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड राउट्स दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब लॉगिन नल होगा तो मैं स्प्लैश स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अब मसला रह गया कि ये वाला और ये वाला, ये दो है, तो एक्चुअली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस लॉगिन ट्रू होने के साथ साथ मैं क्या चेक करवाऊँगा, एम परसेंट स्टेट इक्वल्स टू एडमिन अगर है तो ये एडमिन राउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एम परसेंट स्टेट इक्वल्स टू अगर यूज़र है तो ये यूज़र राउट होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जब मेरे पास ये एडमिन राउट है, तो एडमिन को मैंने क्या करवाना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जी एडमिन होम है ये, ठीक है, एडमिन चैट है ये, और एडमिन, ये एडमिन को मैं बिल्कुल एक अलग नेविगेशन बार दिखा रहा हूँ जो एक आम यूज़र को नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी तरह ये नीचे जो राउट्स हैं ये वाले सारे के सारे, ये भी मैं क्या करवा दूंगा, अभी तो होम नॉर्मल इस पर दिख रहा है ना, लेकिन ये नॉर्मल हो इस पर नहीं दिखेगा, इस पर कोई एडमिन राउट दिखेगा। स्टिल दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, है ना, ये चीज़ मैंने अपने सर्वर पर डिटरमाइन करनी है, कौन सी API, बंदा लॉगिन हुआ ना उसको एक टोकन मिला, तो मैंने डिटरमाइन करना है कि इस टोकन के साथ कौन सी API हिट कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता, कौन सी API ऐसी है जो सिर्फ एडमिन हिट कर पाएगा नॉर्मल, तो वो वहाँ डिटरमाइन होगा। ये दिस इज़ जस्ट अ यूज़र एक्सपीरियंस फीचर कि जी अगर वो बंदा लॉगिन हुआ है और वो लॉगिन सम हाउ वो एडमिन है अगर, तो मैं उसको एक ऐसा पेज दिखाऊं जहाँ पे सिर्फ वो एडमिन वाली APIs आ रही हो, कोई दूसरी API वहाँ पे ना आ रही हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास ये मल्टी रोल वाला सेटअप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरे पास ये मल्टी रोल आ गया। अब एक ही बंदा होगा अगर उसके अंदर इज एडमिन ट्रू है तो उसको क्या दिखेगा, वो ये वाला राउट दिखेगा, अगर वो यूज़र है तो वो ये वाला राउट दिखेगा उसको, ठीक है। हाँ क्या चीज़, एडमिन का प्रीव्यू दिखाने के लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैं जब रिफ्रेश करता हूँ ना इसको, ये क्या हुआ, अच्छा वो यूज़र डॉट रोल नहीं है एक्चुअली, वो जस्ट डॉट रोल है, सही है, वो यूज़र डॉट रोल नहीं है, सही है, मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, वो डॉट करके डायरेक्ट रोल था, इसमें यूज़र डॉट रोल मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। एक्चुअली अभी जो बंदा लॉगिन हुआ हुआ है उसके डेटाबेस के अंदर इस वक्त इस एडमिन पे ट्रू नहीं हुआ हुआ, बल्कि इस एडमिन मौजूद ही नहीं है, तो मौजूद नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंसिडर कर रहा है उसको, इसके लिए मुझे एक नया साइन अप करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एप्लीकेशन को जाके मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये लॉगआउट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक नया साइन अप मारता हूँ, नया साइन अप मारता हूँ, मैं कहता हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन फॉल्स होगा ना बाय डिफॉल्ट, नहीं उसको मैं हाथ से ट्रू कर दूंगा जाके, मसला नहीं है, नहीं एग्जॉस्ट से भी सेंड करूं तो API पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है वो, API पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है वो, जब API हिट होगी भले फ्रंट एंड से भी एग्जॉस्ट हो फॉल्स ही रहेगा, तो फ्रंट एंड से मैं एडमिन क्रिएट ही नहीं कर सकता, मेरे केस इस वक्त मेरे पास ये है। और मैं कहता हूँ ये एडमिन @abc.com, ठीक है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एडमिन @abc.com कर दिया मैंने, साइन अप सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी मैं इसको जब लॉगिन करूँगा ना, ठीक है, अभी जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये एज अ नॉर्मल यूज़र ही लॉगिन हो रहा होगा, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे ये नेविगेशन बार नॉर्मल यूज़र वाला दिखा है मुझे, क्यों कि इसके ऊपर अभी फॉल्स सेट हुआ है बाई डिफॉल्ट, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ
और मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में जाऊँगा और हाथ से जाके मैं डेटाबेस के अंदर ठीक है इसको वो करवा दूँगा, mongodb.com पे जाता हूँ और मैं इस स्पेसिफिक यूज़र में जाके उसका जो इस एडमिन है वो ट्रू कर दूँगा। तो जैसे ही ट्रू करूँगा यहाँ पे लॉगिन पे फिर मुझे वो एडमिन वाले राउट पर दिखाना शुरू हो जाएगा वो। अच्छा ये काम वैसे मुझे MongoDB कंपास से करना चाहिए था क्लाइंट से, ठीक है बार बार इस तरह अंदर जाके लॉगिन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आई एम नॉट श्योर कि अभी मेरे पास MongoDB कंपास सही तरह चलेगा या नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बोल लिया। ठीक है जी, CruddDB है, ये यूज़र्स आ गया, अभी अभी जो यूज़र क्रिएट हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, ये एडमिन एट द रेट एडमिन हो गया, इसमें ये इस एडमिन को मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे से इसको मैं ट्रू कर दूंगा, और ट्रू करके इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेव का एक ये अपडेट का बटन आ रहा है, इसको अपडेट मार दूंगा। ठीक है तो ये ट्रू हो गया, तो ये मैंने एडमिन हाथ से क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर जाएगा इस वक्त। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड स्क्रीन भी बना सकता था। ठीक है, अब जब मैं इसको लॉगिन करूँगा इस वाले एडमिन को, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडमिन कंसिडर करेगा और मुझे नेविगेशन बार एडमिन वाला दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो ये मल्टी रोल लॉगिन हमने सेटअप कर लिया, किन चीज़ों की मदद से किया हमने, ये ऑथ गार्ड की मदद से किया है। ठीक है, हमने जो नेविगेशन बार बनाया था, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए थे, वो ऑथ गार्ड की मदद से उन कंपोनेंट्स के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि किस सिचुएशन में कौन सा वाला पेज दिखना चाहिए और कौन सा पेज नहीं दिखना चाहिए। उसके अलावा कुछ ग्लोबल चीज़ें हमने कॉन्टेक्स्ट API में स्टोर करवाई हैं, जैसा कि लॉगिन हुए हुए बंदे का जो स्टेटस है, उसका जो डेटा है, कौन बंदा इस वक्त लॉगिन हुआ हुआ है, तो वो सारा मैंने कॉन्टेक्स्ट API में स्टोर करवाया है, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो डेटा जो है तमाम कंपोनेंट्स में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि मोस्टली मुझे क्या होता है कि नेविगेशन बार में ईमेल दिखानी पड़ती है, तो अगर मुझे अभी नेविगेशन बार के अंदर ईमेल दिखाना है तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, ये मेरा जी नेविगेशन बार है ना, ये नेविगेशन बार, तो इसमें मैं लास्ट में आके क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा state.user.email, तो ये मेरे पास ईमेल स्टेट के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, मैं पूरी ऐप के अंदर कहीं पे भी जाके कहीं पे भी ईमेल डिस्प्ले करानी है मैं ऐसे कराऊंगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यूज़र में भी करवा सकता हूँ, जो यूज़र का जो नॉर्मल यूज़र का जो नेविगेशन बार है उसमें भी करवाऊंगा तो उसमें भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस पर CSS वगैरह लगा के उसको मुझे ज़रा सीधा मीधा करना होगा, वो बात एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ बड़े आराम के साथ। ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले करवा दिया, अब मैं इसको ज़रा लॉगआउट करता हूँ और मैं एक नॉर्मल यूज़र को जब लॉगिन करूँगा, ये मैंने हाथ से ज़बरदस्ती लॉगआउट किया है, लॉगआउट इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये abc@abc वाला जो है ये नॉर्मल यूज़र है, इसको मैं हिट करता हूँ तो ये नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुआ है और इसका ईमेल यहाँ पे दिख रहा है नेविगेशन बार में, अभी अभी मैंने लगा दिया। इसी तरीके से इस बंदे की जो अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है, प्रोफाइल पिक्चर भी होगी एक। ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी और डिटेल्स भी होंगी जो पूरे ऐप में हर जगह उसको कोने पे एक जगह पे दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं चैट पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ, नेविगेशन बार क्योंकि सेम है तो ये हर जगह दिख रहा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि इतना काम आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये असाइनमेंट बाय द वे मैं नेक्स्ट वीक चेक करूँगा ट्यूसडे वाले दिन।